हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ पूनम और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मैठानी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर जाऊँगी आपको एक और पंडाल में। तो चलिए जाकर दिखाती हूँ मैं कौन सा पंडाल। फ्रेंड्स, अभी देखिए हम लोग पहुँच गए हैं वैष्णो देवी, और यहाँ पर वैष्णो देवी टेम्पल बन रहा है। बहुत सुंदर पंडाल है ये भी। चलो आपको जाके दिखाती हूँ। और जिस तरह से वैष्णो देवी काफ़ी हाइट पर है, इसे भी इन लोगों ने थोड़ा सा हाइट पे बना रखा है। तो चलिए जाकर हम लोग देखते हैं। ये जो जगह है, यहाँ का नाम है लाल बहादुर क्लब। ये इनकी तरफ से बनाया गया है यहाँ पर। और ये है फ्रेंड्स यहाँ का रास्ता। प्रेम से बोलो जय माता की। और इन्होंने पूरा जो थीम है वैसे ही बनाने के लिए बहुत ट्राई किया है, और काफ़ी हद तक वैसे बना भी है ये। तो जो लोग वैष्णो देवी गए होंगे उन लोग को तो पता होगा, हम लोग अभी तक नहीं गए वैष्णो देवी। और ये देखिए यहाँ पर ये चढ़ाई बना रखी है, और थीम के हिसाब से बहुत अच्छा इन्होंने पंडाल की व्यवस्था की है यहाँ पर। यहाँ पर शिवलिंग भी बना रखा है। ये है यहाँ पर गेट, और यहाँ पर नीचे में पेड़ है, पानी है, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। मार्केट यहाँ से थोड़ी सी डाउन दिख रही है। यहाँ पर देखिए ढलान में कितना ज़्यादा दिख रहा है। थक गया। और नीचे से तो हमें लग रहा था यहाँ पर बंद है, लेकिन गेट यहाँ पर है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल गुफा के जैसे इन लोगों ने यहाँ पे बना रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये पंडाल। ये सब इन्होंने यहाँ पर थर्माकोल से बना रखे डिज़ाइन, और जितने भी पंडाल हैं इनके डिज़ाइन है वो थर्माकोल से ही बने हुए हैं। अंदर अंदर पूरा अंदर। और यहाँ पर ये बिल्कुल गुफा के जैसे अंधेरा हो रखा है। ये सारा डिज़ाइन जो है वो थर्मोकोल से है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर काम चल रहा है, तो इन लोगों ने लाइट वगैरह नहीं खोले, तो मैं आप लोगों को मोबाइल की फ्लैश लाइट से ही दिखा रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है वैष्णो देवी माता। कुछ कुछ अच्छे बोले बोबा ढके चादर काठी, कुछ कुछ अच्छे बोले कोमर टुली गंगा माटी। কুমড়া মুখ পাড়ার দোকান সাজছে আবার নতুন সাজে, কিছুতেই মন বসে না পড়ছে ভাটা সকল কাজে। হোক পূজোর গান তার তালে তালে প্রাণ মজে আজান। काम अभी चल रहा है क्योंकि एक दो दिन बाद ही यहाँ पर पूजा शुरू होगी, और उसके बाद ही लाइट वगैरह खोली जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि वैष्णो देवी गुफा में है, तो इन्होंने ये पूरा अंधेरा गुफा के जैसे बना रखा है। और ये है लाइटिंग की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। थोड़ा
नीचे से लाइट है और ऊपर भी यहाँ पर लाइट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी लिखा हुआ है। चलो कम से कम एक पंडाल में तो हमें हिंदी में लिखा हुआ मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। इतनी गर्मी यहाँ पर हो रही है, हम लोग पूरे पसीने से भीग गए हैं। और बाहर इतना उजाला है, अंदर देखिए बिल्कुल अंधेरा है। इधर से जा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर स्लिप ना हो इसलिए यहाँ पर लकड़ी लगा के और सीढ़ियों जैसे बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ढलान है। और बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। भैया अभी तो काम ही चल रहा है, पूजा कब से शुरू है? शनिवार से। अच्छा ठीक है भैया, और शनिवार से यहाँ पर पूजा शुरू है बता रहे। और ये मैट है, इसके ऊपर सीमेंट का कलर करने के लिए, जैसे पहाड़ी जैसे बनाने के लिए इन लोगों ने शायद सीमेंट वगैरह लगा रखा है थोड़ा सा। और बाकी जो डिज़ाइन है वो तो थर्मोकोल से हैं। और यहाँ से मार्केट का जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।